एकदम पौष्टिक, खस्ता और बनने में आसान सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे किसे अच्छे नहीं लगते। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा ही पराठा जो है सर्दियों की जान। आज हम बनाएंगे पालक का पराठा, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बोल, उसमें ऐड करेंगे 2 कप गेहूं का आटा। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन, 3 से 4 चम्मच बेसन मैंने ऐड किया है, जिससे पराठे का टेस्ट तो एनहांस होता ही है, साथ में वो बहुत खस्ता बनेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा जीरा। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच घी का मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जिससे कि जो पराठे हैं वो काफ़ी खस्ता और टेस्टी भी बनेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का मोइन भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। तो ये पराठे आप बच्चों को फटाफट बनाकर टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या आप इसे एज अ ब्रंच के तौर पर भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 200 ग्राम के करीब पालक मैंने यह ली है, जिसे एकदम बारीक चॉप कर लिया है। पालक हम सभी जानते हैं, इट इज़ फुल ऑफ आयरन एंड विटामिंस, और ये हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। बच्चे वैसे पालक खाना उतना पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से जब आप उन्हें पराठे के फॉर्म में खिलाएंगे तो वो एकदम खुशी से खाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सख्त सा आटा गूंथ लेंगे, क्योंकि नमक के कारण जो पालक है वो भी अपना पानी छोड़ेगी, और जब आप पराठे बनाने लगेंगे तो वैसे भी आटा थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर सख्त सा आटा हमें लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने आटा लगा लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा चिकना कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा घी लिया है और इसे एक बार अच्छे से मल लेंगे। तो अब हम आटे का छोटा सा एक पेड़ा बनाएंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आप इसका एक पेड़ा तोड़ें। और अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे और एक बड़ा सा पराठा बना लेंगे। तो पराठा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। घी से जो पराठा है ये काफ़ी खस्ता और फ्लेकी बनेगा। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और अब इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पर चौकोर यानी स्क्वायर पराठे बना रही हूँ। आप चाहे तो तिकोने या गोल भी बना सकते हैं, पर इस तरह से अगर बीच में आप घी लगाकर पराठे बनाएंगे तो पराठे काफ़ी खस्ता और परतदार बनेंगे। तो बस इस तरह से हमें थोड़ा सा पलटते हुए स्क्वायर शेप को मेंटेन करके पराठे बनाने हैं। पराठे हमें बहुत ज़्यादा पतले नहीं करने हैं। पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने तवा गरम करने रख दिया था, उस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसके बाद में हम इन पराठों को उसके ऊपर सेक लेंगे। तो पराठों को हम मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे, जिससे कि पराठे अंदर से कच्चे बिल्कुल भी न रहें। तो स्क्वायर शेप में पराठे देखने में बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इस पे लगाएंगे हल्का सा तेल, अगर आप घी लगाना चाहें ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे हल्का हल्का दबाते हुए दोनों तरफ मीडियम फ्लेम पे हम सेक लेंगे। तो ये पराठे चाय के साथ, दही के साथ, अचार या चटनी सभी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो रेगुलर पराठा अगर खा के आप बोर हो गए हैं तो इन सर्दियों में आप ये पालक के पराठे ज़रूर ट्राई करें। ये मेथी के पराठे से भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ये रेसिपी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये खस्ता परतदार पराठे आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।